हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन क्लास सेंग साइंस क्लासेस एसोसिएटेड विद पीसीबी क्लासेस। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड चारगाफ रूल। टुडे वी आल्सो डिस्कस सम मोर एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट मींस रिलेटेड विद द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए। एंड बिफोर द स्टार्ट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? एंड टुडे एक थिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी बोर्ड पर, यहाँ पर एक मैंने थॉट लिख रखा है, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स बट मोस्टली ऑन यू। कुछ समझ में आया? आपका फ्यूचर बहुत सारी थिंग्स पर डिपेंड करता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, वो है आप। अपने अंदर की ताकत को समझिए, अपने आप को जानिए, और फिर जान करके आप देखिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप उससे बहुत आगे, बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको वाकई में अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको अपने आप को जानना होगा, जैसा कि लिखा है कि बट मोस्टली ऑन यू, क्योंकि जो जिन पर डिपेंड है वो इतना सा है, और जिस पर डिपेंड है दैट इज आप, वो बहुत कुछ है। सो अपनी ताकत को समझिए, अपने अंदर की झील को समझिए, और बिल्कुल पैशन से बिल्कुल घुस जाइए, फ्यूचर बनेगा और अच्छे से बनेगा। तो चलिए, इस थॉट के साथ आज अपनी क्लास को शुरू किया है, और फिर से हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं डीएनए का। कल थोड़ा सा शायद जल्दी हो गया था मुझे लग रहा है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा इसको एक बार फिर से और रिपीट करते हैं। तो पूरा वहां से उतना नहीं रिपीट करेंगे, बस थोड़ा सा रिपीट करेंगे बैक से। प्रतिष्ठा ने सेम डायग्राम कॉपी किया था, जरूरी नहीं आप सिंगल पेन से बना सकते हो। ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम, दिस वन इज 5 प्राइम टू, दिस वन इज 3 प्राइम। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया, और हमने आपको कल थोड़ा सा ज्यादा खिचड़ी हो गया था, इसलिए आज थोड़ा सा बैक से लिया है। हमने आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड द बन टर्न ऑफ हेलिक्स, बन टर्न ऑफ हेलिक्स, यानी यहां से एक ये शुरू हुआ और यहां पर फिनिश हुआ। और हमने आपको बताया था कि जो बन टर्न ऑफ हेलिक्स है, इस बन टर्न ऑफ हेलिक्स में जो इन मोस्ट ऑफ द डीएनए में मिलते हैं, वो मिलते हैं 10 बेस पेयर। क्या मिलते हैं? 10 बेस पेयर। और यहां से यहां तक की लेंथ जो होती है इस बन टर्न ऑफ हेलिक्स की, ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। हमने कल आपको नैनोमीटर में भी बताई थी, ये होती है 3.4 nm। यानी इस बीच में कितने बेस पेयर लगे होंगे? 10 बेस पेयर लगे होंगे। 1 यहाँ पर लगा ले, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इस तरीके से बन टर्न ऑफ हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। और हमने कल बताया था कि अगर इधर एडनीन होगा तो इधर थाइमीन होगा, इधर ग्वानीन तो इधर साइटोसिन, इधर थाइमीन तो इधर एडनीन, इधर थाइमीन तो इधर एडनीन, इधर एडनीन तो इधर थाइमीन, इधर ग्वानीन तो इधर साइटोसिन, इधर साइटोसिन तो इधर ग्वानीन, इधर साइटोसिन तो इधर ग्वानीन, इधर ग्वानीन तो इधर साइटोसिन, इधर एडनीन तो इधर थाइमीन। और हमने बताया था कि 2 कॉन्जुगेटिव बेस पेयर अगर हम लें,
तो टू कॉन्जुगेटिव बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग या हम बोल सकते हैं 0.34 एनम। और ये जो इसकी ब्रेथ होती है ये 2 एनम होती है। कितनी होती है? 2 एनम होती है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि एक्चुअली जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब है कि यहां पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्या होती हैं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, और चाहो तो आप इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स भी बोल सकते हैं। और ये जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और इसको अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया कि अगर ये डीएनए हम मान लें कि अगर ये स्ट्रैंड 3' to 5' है तो इसकी अपोजिट पोलरिटी वाला हमेशा 5' to 3' होगा, यानी ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। और हम कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर इधर एडनिन होगा तो इधर थाइमिन होगा, इधर ग्वानिन होगा तो इधर साइटोसिन होगा। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रूल भी होते हैं, और ये हमने आपको कल बताया भी था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो एडनिन थाइमिन ग्वानिन ये आपस में जुड़े होते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। किसके थ्रू जुड़े होते हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। फिर शायद आप लोगों को कल एक थिंग में कंफ्यूजन हो गई थी कि जब मैंने बोला था कि ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमने बोला था कि इसको हम डीएनए की बैकबोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डीएनए की बैकबोन। और इस बैकबोन में हमने कल आपको बताया था कि एक बैकबोन में क्या होगा, इसमें होता है सुगर और क्या होता है? फॉस्फेट। यानी जो डीएनए की बैकबोन होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सुगर और फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए की बैकबोन कौन फॉर्म करता है, तो डीएनए की बैकबोन फॉर्म करते हैं सुगर एंड फॉस्फेट। हाँ, प्रतिष्ठा को कल थोड़ा सा उसके नोट्स में मैंने देखा था, उसने कुछ लिखा था, ये जो बन टर्न ऑफ हेलिक्स है, सिर्फ ये बन टर्न ऑफ हेलिक्स ही बैकबोन थोड़ी ना है, ये पूरी बैकबोन है। और उस बैकबोन में अगर देखें तो ऐसे टर्न ऑफ हेलिक्स आते हैं। क्या आते हैं? टर्न ऑफ हेलिक्स आते हैं। तो हमने बताया यहां से एक ये हेलिक्स शुरू हुआ था और यहां पर फिनिश हो गया था, इसलिए हमने इसको बोल दिया था बन टर्न ऑफ हेलिक्स। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ बन टर्न ऑफ हेलिक्स को ही बैकबोन बोलते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बन टर्न ऑफ हेलिक्स को ही बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन तो ये पूरी है। जैसे हमने कल आपको जब बताया था कि डीएनए राइट हैंडेड होता है, जब हमने आपको बताया था कि डीएनए राइट हैंडेड होता है, तो एक्चुअली हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, हमने आपको एक एग्जांपल लिया था स्टेयर्स का, लैडर का, कि एक लैडर ले लें हम और अगर वो लैडर स्पाइरल है और उसमें दोनों तरफ उस जो लैडर है, जो जीना है, वो स्पाइरल है और दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है, तो हमने आपको बताया था जिस पर आप हाथ रख रहे हो जो रेलिंग, वो एक्चुअल में सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, और जिन पर आप पैर रख रहे हो तो हमने आपको बताया था एक्चुअली आप हाइड्रोजन बॉन्ड पर पैर रख रहे हो, और वो जो स्टेयर केस दोनों तरफ रखा हुआ है, तो एक तरफ एडेनिन मान लो, एक तरफ थायमिन, एक तरफ ग्वानिन, एक तरफ साइटोसिन। समझ में आई थी बात? तो जैसे वो राइट हैंडेड की तरफ घूम रहा होता है जीना, वैसे ही डीएनए भी राइट हैंडेड घूमता है। अच्छा, इससे एक बात ये ध्यान रखिएगा
कि इन मोस्ट ऑफ द केस डीएनए राइट हैंडेड होता है, लेकिन आपको बता दें लेफ्ट हैंडेड डीएनए भी होता है, डीएनए लेफ्ट हैंडेड भी होता है। और ये याद रखिएगा, अगर एक्चुअली हम बोले तो टाइप ऑफ डीएनए की बात करें तो ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, डी डीएनए होता है और जेड डीएनए होता है। यानी अगर हम टाइप ऑफ डीएनए की बात करें, हालांकि बहुत ज़्यादा आपसे रिलेट नहीं करेगा ये टॉपिक, आप इसको याद रहे तो अच्छी बात, ना याद रहे तो भी अच्छी बात, ए डीएनए, बी डीएनए, ठीक है, डी सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा तुरंत कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इसमें से कौन सा टाइप है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसमें से कौन सा टाइप है। तो एक्चुअली हम बी टाइप डीएनए पढ़ते हैं। कौन सा डीएनए पढ़ रहे हैं? बी टाइप डीएनए पढ़ रहे हैं। ये बी टाइप डीएनए कैसे? क्योंकि जो हम डीएनए पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली राइट हैंडेड है। कैसा है? राइट हैंडेड है। और राइट हैंडेड के साथ साथ अभी हमने आपको बताया कि इसमें बेस पेयर कितने हैं, 10 बेस पेयर हैं। तो जो हम जो डीएनए पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में बी डीएनए पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने क्या बताया आपको, इतने टाइप के डीएनए हो सकते हैं, ए बी डीएनए हो सकता है, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। क्या लिखा हमने? ये एक्चुअल में ए डीएनए में 11 बेस पेयर होते हैं, बी डीएनए में 10 बेस पेयर होते हैं, सी डीएनए में 9 बेस पेयर होते हैं, डी डीएनए में 8 बेस पेयर होते हैं और जेड डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? 12 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं? 12 बेस पेयर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें से जो जेड डीएनए है, कौन सा डीएनए है? जेड डीएनए है। इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर रिच एंड एंड्रयू वांग ने। अलेक्जेंडर रिच एंड एंड्रयू वांग, उन्होंने इस जेड डीएनए को डिस्कवर किया था। और अगर हम बात करें पॉलीटीन क्रोमोजोम थे जो ड्रोसोफिला के, जो सलाइबरी ग्लैंड में पॉलीटीन क्रोमोजोम था उसमें इसको डिस्कवर किया था, लेकिन अभी तक इसकी सिग्निफिकेंस नहीं पता है। यानी बाकी सबकी सिग्निफिकेंस पता है लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो अभी तक पता नहीं है। तो सिर्फ एक ही टाइप का डीएनए नहीं होता था, तो आपको समझ में आया होगा कि इतने टाइप के डीएनए, ए बी सी डी और जेड डीएनए भी होते हैं। तो एक्चुअली हम साइलेंट फीचर्स में बात करें तो ये जितने भी हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए, तो ये सारे के सारे क्या हैं? साइलेंट फीचर हैं डीएनए के। दूसरा एक बात और याद रखिएगा कि एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन जितने भी बेस पेयर होते हैं ये एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज होते जाते हैं, और जब ये एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज होते जाते हैं तो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होने के बावजूद ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से जो अरेंज होंगे, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड में हम बेस पेयर मान ले तो एक के ऊपर एक बेस पेयर ऐसे करके अरेंज घूमते हुए अरेंज होते हैं, तो एक दूसरे पर इस तरीके से अरेंज होने के कारण एक्चुअली ये डीएनए को क्या करते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो आई थिंक सो, अगर किसी के मन में कल कोई भी डाउट होगा तो वो आज फिनिश हो चुका होगा। और एक कॉमन सी और थिंग जो बता चुके हैं फिर से बता दें, अगर कोई भूल गया हो कि इस 3 प्राइम और 5 प्राइम का मतलब क्या है, तो 5 प्राइम मीन्स फ्री फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम का और 3 प्राइम का मतलब फ्री
हाइड्रोक्सी ग्रुप, फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? या अभी भी कोई डाउट रह गया डीएनए को? डीएनए में, डीएनए को तो कोई डाउट नहीं है। आपको अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। ऐसे ही जब हम पूछते हैं तो बच्चों को लगता है कि सर इतनी बार पूछते हैं, क्या बार बार एक ही बात को पूछते रहते हैं सर? तो आपको एक थिंग बताते हैं बड़ी शानदार सी। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछते नहीं, उनके लिए एक क्वेट बहुत उनके ऊपर सूट करता है, एंड वो क्वेट है, डोंट बी एफ्रेड टू आस्क डम्ब क्वेश्चंस। डोंट बी एफ्रेड टू आस्क डम्ब क्वेश्चंस, दे आर easier टू हैंडल देन dumb मिस्टेक। dumb मिस्टेक करने से बेहतर है कि आप dumb questions पूछ लीजिए। कुछ लोग इसमें से questions नहीं पूछते हैं, कुछ लोग question पूछते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि जितने ज्यादा आप questions करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। कुछ लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रखी है, वीडियो देखते हैं और उसे जैसे डेली स्टार प्लस पे डेली ड्रामा सीरियल आते हैं ना, उस सीरियल के तरीके से कुछ एक आध लोग हैं जो हमारे इस वीडियो को भी देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद वीडियो बंद करके रख देते हैं। अच्छा, कुछ लोग अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पर वीडियो खत्म हो गया तो नेक्स्ट भी टॉपिक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आगे पता नहीं कितना चलेगा, तो अभी आगे टॉपिक चलेगा, लेकिन फिर हम उनसे यही बात कहेंगे कि आप लोग पढ़िए, क्वेश्चंस पूछिए। कुछ लोगों के मन में ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है, अरे अभी आप पढ़ तो रहे हो ना, बहुत सारी बात हम बोल नहीं सकते यहाँ पर, जो आप सोच रहे हो वो जल्दी ही पॉसिबल होगा। तो वीडियो देखने के बाद उसको एनालाइज करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, और बहाने तो फिर आप 50 कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो बहाने करते हैं कि उनका नेट नहीं चल रहा, अब क्या कहें। कल भी मैंने देखा कि लोगों के स्टेटस अपलोड थे लेकिन वो आके एक्सक्यूज दे देते कि नेट नहीं चल रहा, वीडियो देखी नहीं। तो बेटा अगर वीडियो डेली नहीं देखोगे और प्रॉपर नहीं देखोगे तो टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए डेली वीडियो देखिए, डेली उन वीडियो से शॉर्ट नोट बनाइए, जो नोट्स हैं उनके साथ कंपेयर करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, बेहतर समझ में आएंगी चीजें। चलिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फिनिश हो गया, इसके साइलेंट फीचर्स भी फिनिश हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्चुअली पढ़ेंगे क्या, सीधे सीधे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। क्या पढ़ेंगे? सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ में इंपॉर्टेंट भी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस टॉपिक को भी ध्यान से देखिएगा, और इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, एंड टॉपिक है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। और इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ना है? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट।
और ये जो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हम वेरीफाई करने की, हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे क्या कि जो डीएनए है क्या वाकई में वही जेनेटिक मटेरियल है, क्या डीएनए ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है क्या। एक्चुअली होता क्या है कि डीएनए के साथ प्रोटीन भी एसोसिएटेड होता है, सेल में आरएनए भी होता है, तो ये कैसे श्योरिटी है कि डीएनए ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। दैट मीन्स डीएनए ही जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका कैरियर मॉलिक्यूल्स है। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे हम, और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, कल ये आपको मिलेगी वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए, और जो भी पीछे लेक्चर दिया था ना, अब आधे लोगों ने वीडियो बंद कर दी, सुन लो अभी गए नहीं हैं। हम कल आपका टेस्ट लेंगे एक ऑनलाइन, रेडी रहिएगा। थैंक यू।